हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं, आज मेरे पास एक बोट का हेडफोन है। आपके पास भी इस तरह का बहुत सारे बोट का जो हेडफोन होता है, वो कोई भी जो है सिगमेंट का हो या कोई भी नंबर का हो या V555 का हो, कोई भी हो, तो बोट का जितना भी हेडफोन है वो रिपेयर लायक है, तो उसे आप रिपेयर कर सकते हो। तो इसमें जो है बैटरी चेंजेस करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठीक है। तो ये एक कस्टमर का है जो मेरे पास आया है बैटरी चेंजेस के लिए। तो बैटरी जब इसका बैकअप देना कम हो जाता है, मतलब इसका बैटरी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, डेड हो चुका है, तो यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बैटरी का जो ढक्कन होता है उसे धीरे से खोलना है। और ये बैटरी जो है ये फूल जाता है, ठीक है। ये बैटरी फूल जाने से जो है ऊपर का जो कवर होता है वो अपने से ही जो है खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी जो है वो फूल गया है, बहुत सारा इसमें जो है एयर जम गया है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे बैटरी जो है वो निकाल लेना है। देख सकते हैं बैटरी जो है वो हमारा ज़्यादा फूल चुका है, ठीक है, मतलब बैटरी जो है वो ख़राब है। तो यहाँ पे बैटरी को हम चेंज करेंगे तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको ये ऊपर का ढक्कन अलग करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक कनेक्टर बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा जम्पर कनेक्टर बोर्ड है, एक बैटरी का कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे रेड एंड ब्लैक कलर का वायर लगा हुआ है। तो इसे हम चेंज करेंगे, लगभग जो है 6 महीने या 1 साल बाद इसका बैटरी जो है इस तरह से जो हो जाता है, क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरी है। तो इसके बदले हम नया बैटरी लगाएंगे। तो इसका पॉइंट से आपको डिसोल्डर करना है दोनों वायर को। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे डिसोल्डर कर लिया है। दोस्तों इसका जो बैटरी है वो 110 mAh का है, देख सकते हैं यहाँ पे 110 mAh का है। और यहाँ पे देख सकते हैं 3.7 volt का बैटरी है, और बैटरी जो है बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे जितना भी बैटरी है उसके हिसाब से ये बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे ये बैटरी नहीं लगेगा। तो एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बैटरी जो है फिट हो जाएगा तो भी चलेगा। तो देखिए ये फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें इसका साइज़ का बैटरी ही लगाना है। तो यहाँ पे 110 जो है mAh का बैटरी दिख रहा है यहाँ पे, तो हम इसमें लगाएंगे इससे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे 100 जो है 35 mAh का जो है हम बैटरी लगाएंगे। तो 3.7 volt है, और इससे देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसका क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसमें ये वाला बैटरी जो है बिल्कुल परफेक्टली फिट आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये परफेक्टली फिट आ गया है, ठीक है। तो ये पहले बैटरी हम इसमें लगाएंगे। तो पहले आपको बैटरी में जो है वायर लगाना है। बेसिकली जितना भी बैटरी आपको मार्केट में मिलेगा उसमें कुछ कुछ में जो है वायर मिलेगा, कुछ में जो है वायर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको वायर लगाना है। तो वायर जो है वो आपको मल्टीमीटर से चेक करके ही लगाना है। वायर का जो कनेक्शन है वो कर लिया है। तो यहाँ पे वायर का कनेक्शन बहुत ही ईजी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बीच वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये आपका जो है नेगेटिव होता है, और ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी का जो कनेक्टर है, दो कनेक्टर में से जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाला कनेक्टर रेड के साथ डायरेक्ट जो है जुड़ गया है, और यहाँ पे नेगेटिव वाला कनेक्टर है। और ये जो छोटा सा सर्किट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये BMS है। ये आपको बैटरी को जो है ओवरलोड होने से बचाता है, जिससे आपका बैटरी ख़राब नहीं होता। अगर आपका बैटरी में BMS नहीं होगा तो आपका बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगा, कुछ ही दिन में जो है ये ख़राब हो जाता है। BMS रहने से आपका बैटरी का जो लाइफ है वो 1 साल तक हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी BMS लगा हुआ है, और यहाँ पे कनेक्शन जो है वो मैंने कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी में जो है छोटा सा नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं B+ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक बार जो है वोल्टेज हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा बैटरी का जो दोनों टर्मिनल है इसमें हम यहाँ पे प्रॉब लगाएंगे। तो यहाँ पे बैटरी का जो है वोल्टेज 3.7 volt शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3.78 volt इसमें है। तो और यहाँ पे देख सकते हैं वायर में भी आपको 3.7 volt मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको 3.7 volt मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3.78 volt मिल रहा है, ठीक है। तो बैटरी जो है मैंने यहाँ पे वायर कनेक्ट कर लिया है। सिंपल से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आपको खोलने से पहले देख लेना होगा यहाँ पे रेड वाला वायर कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेड वाला वायर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला रेड वाला पहले वाला होता है, ये वाला रेड वाला, दूसरा जो है आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें भी आप में जो है लिखा रहता है B+ B-, मतलब बैटरी प्लस और बैटरी माइनस, ठीक है। तो इसमें आपको जो है फिर से इसे सोल्डर करना है। सोल्डर करने से पहले इसमें एक आपको जो है छोटा सा प्लास्टिक टेप ज़रूर चिपका देना है, ताकि ये इसका जो वायर है एक दूसरे से ना उलझे। उसके बाद आपको इसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। जो है पॉजिटिव वायर जो है वो सोल्डर करना है। सोल्डर करना बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे जिस तरह से आपने यहाँ पे डिसोल्डर किया था, तो यहाँ पे फिर से आपको जो है सोल्डर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बार सोल्डरिंग टच करना है, तो आपका यहाँ पे सोल्डर जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक वाला जो पॉइंट है, पहले वाला पॉइंट, वो सोल्डर हो गया। दूसरा जो पॉइंट है आपका यहाँ पे ब्लैक वाला है, तो यहाँ पे इसका पास में ही ये ब्लैक वाला पॉइंट भी सोल्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक वाला भी इसमें सोल्डर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक वाला भी इसमें सोल्डर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी का जो कनेक्टर है वो हमने यहाँ पे अच्छे से जोड़ दिया है। तो यहाँ पे इस तरह से जो है इसका कनेक्शन बनेगा। चार्जर लगाते ही ये चार्ज होगा, और रेड कलर का LED जो है यहाँ पे
जलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड कलर का जो है एलईडी इसके अंदर जल रहा है, देखिए यहाँ पे इसके अंदर एक जो है रेड कलर का एलईडी जल रहा है, तो ये चार्ज भी हो रहा है। तो इस तरह से जो है आपको इसे रिपेयर करना है। अभी जो है आपको सिंपल सा बैटरी को यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर बैटरी को आपको इस तरह से डालना है। तो यहाँ पर बैटरी को डालने के बाद इसका जो देख सकते हैं ये वाला बोर्ड है, बोर्ड को आपको धीरे से इस तरह से यहाँ पे बिठाना है। बैटरी का जो ऊपर का कवर होता है उसे भी आपको ऊपर से डाल देना है, ठीक है। तो ये आपका जो हेडफोन में बैटरी का प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है, तो इसे आपको अच्छे से जो है लॉक कर देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो ये ब्लूटूथ वाला हेडफोन है ये अभी रेडी हो चुका है। ये बोट का है, देख सकते हैं यहाँ पे इसका लोगो है, तो यहाँ पे ये बोट का है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।